दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सरदार सरोवर डैम के बैकवाटर से नर्मदा का जलस्तर 138.30 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे नर्मदा किनारे के गांव डूब के कारण प्रभावित हो गए हैं। बड़वानी के समीप ग्राम पिछोड़ी में डूब प्रभावित विस्थापन के मुआवजे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। वहीं स्कूली बच्चों और लोगों को खतरों के बीच आना जाना पड़ रहा है। दरअसल सरदार सरोवर डैम के बैकवाटर के जद में नर्मदा किनारे करीब 3 किलोमीटर तक के घर आ गए हैं। वहीं मुआवजे और उचित पुनर्वास की मांग को लेकर लोग खतरों के बीच रहने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों को भी स्कूल आने जाने के लिए घुटनों और कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बड़वानी के समीप ग्राम पिछोड़ी में NVDA द्वारा 9 अलग अलग स्थानों पर प्लॉट दिए हैं, परंतु उनकी खेती पिछोड़ी ग्राम के आसपास है, जिससे डूब प्रभावित खतरों के बीच ही जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुनर्वास की विसंगतियों के कारण पिछोड़ी के निवासी परेशान हैं। लक्ष्मण अलावे, लक्ष्मण जी कहाँ रहते हैं? पिछोड़ी का रहने वाला। ये पिछोड़ी में बैकवाटर के पानी से क्या परेशानी आ रही है? अभी क्या है, बैकवाटर का पानी आया तो बहुत सारे लोगों के घरों तक छू गया है, और लोगों को घर से निकलने में, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको कमर कमर पानी से निकलना पड़ता है, फिर जंगली जानवर सांप वगैरह आते हैं, और चूँकि पानी घर के आंगन में है लेकिन 10 कदम जाने पे पानी इतना है कि व्यक्ति डूब जाए, तो डर का वो तो बना रहता है। इनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था करी है सरकार? पुनर्वास तो क्या है, जैसे डूब पिछोड़ी गांव ऐसा है कि सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित है, लेकिन पिछोड़ी का जो पुनर्वास हुआ है उसमें मात्र 62 प्लाट है, और पिछोड़ी गाँव के लोगों को पुनर्वास के नाम पर 9 बसावटों में बांट दिया है। जहाँ खाली है वहाँ दे दिया, किसी को खेड़ी दे दिया, किसी को सोंदुल दे दिया, क्योंकि उनका आजीविका का साधन तो कृषि है, तो कृषि इनके आसपास ही है, गांव के आसपास। अब अगर वहाँ प्लाट पे मकान बनाते हैं तो 10 15 20 25 किलोमीटर से आना जाना संभव नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश। कहाँ रहते हो? पिछोड़ी में। ये कहाँ पर पढ़ने जाते हो आप? कल्याणपुर। कितनी दूर है कल्याणपुर यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। ये तुम्हारा घर के सामने बैक वाटर का पानी है, तो कैसे जाते हो घर घर के अंदर कैसे जाते हो? पानी से निकल के। कितना कितना पानी? घुटनों तक। समस्या होती है आने जाने में? हाँ। रोज जाते हो स्कूल? हाँ। इसी पानी में से निकल के जाते हो? हाँ। और कितने लोग जाते हैं यहाँ से? और वो और जाते। तेरे घर वाले कितने हैं? घर वाले 6 जन। 6 जन। और कितने आसपास रहते हैंगे जो को पानी में जाना पड़ता है? आसपास मकान कितने हैं तुम्हारे घर के? 3 7। 7 मकान हैं। समस्या आ रही है। समस्या ये है कि बच्चे भी स्कूल जा नहीं पाते, पानी में टोंगले टोंगले पानी में से निकलना पड़ता है, और चारा भरा लेके भी समस्या निकलने की है। बैल नको भी निकालना ले जाना बहुत परेशान है सर, और जंगली जानवर भी आते हैं, जानवर उनकी परेशान रहती है, वो समस्या है। और सर प्लाट हमको कसरात में मिल गया और 5.80 नहीं मिले। क्या जब तक तुमको 5.80 नहीं मिलेंगे यहाँ से जाओगे नहीं? जाएंगे। क्या तुम्हारी इच्छा थी कि पिछोड़ी में मिले प्लाट? हाँ, पिछोड़ी में मिला। यहाँ नहीं मिला? पिछोड़ी में नहीं मिला, बड़वानी में मिला, कसरावत में मिला। कसरावत में मिला। तो इतनी दूर जाएंगे तो फिर खेत में कब आएंगे? खेत का पास में, खेत कल्याणपुरा के पास में। बड़वानी से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।